गुड मॉर्निंग दुनिया, देखिए आना उठ चुकी है सना जो है वो फ्रेश अप हो रही है। अभी फिलहाल 8:15 इन द मॉर्निंग है और हम ब्रेकफास्ट करने जाने वाले हैं। लेट्स गो। आना नींद अच्छी है? हाँ। चल अप्पी को उठा दे। सुबह हो गई, लेट्स गो। और हम ये यूज करते हैं मोइस्ट डिटेंडर। Hawaii baby, oh my god, look at you, you are looking so cute. आजा आजा देख जा, ready to rock and roll. Baby कैसे पिंडर पाप? Ready to rock and roll. भूख लगी है या नहीं लगी है भूख? हाँ मुझे लगी है actually. मैं सना को बोल रहा था मुझे भी भूख लगी, आपको लगी? मुझे लगी है। मुझे सुबह लगी थी, इतना खाने के बाद भूख कैसे लगती है पता नहीं। तो मैंने बोला सना को मुझे भी लगी है, तो सना ने बोला उसको बिल्कुल नहीं लगी। नहीं मुझे तो बल्कि वो रात को ढोकड़ा भी याद आ जाते। अच्छा चलो अभी बजे हैं 8:30। अरे कौन आया? आजा आजा आजा। गुड मॉर्निंग, रेडी टू गो? बहुत मजा आया, सही से सो गए। क्या मेरा बच्चा आ गया। Star, and look at my shoes. Everything wow, is so matching. तो आपकी क्यों एक घंटे की सिर्फ नींद हुई? नहीं नींद आ रही थी, नाना की तरफ तवज्जो थी मेरी पूरी। रात को नींद नहीं आ रही थी और डैडी भी ऑन एंड ऑफ थे, लेकिन मैं तो स्ट्रेट जा रही थी। पिल्लो तो पता है सना ने किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? मॉर्निंग दादी की वो चली थी इसमें चीज है और ये स्क्रैम्बल्ड है और ये टर्की है, ये बिस्किट्स और ये आलू डैडी की पसंद का, और डैडी को इसमें हॉट सॉस पसंद है। प्रेस बटन फॉर टू पैरी केक्स लीटर। अच्छा न्यू मशीन, न्यू टेक्नोलॉजी, इस तरह से पैनकेक गिर रहा है। और देखो पोर होगा अभी वहां। अच्छा हाउ स्वीट, अच्छा मिक्सचर में पोर कर सर देखा। ये डिजर्ट और ये मफिन और हमें और भी योगर्ट, योगर्ट स्ट्रॉबेरी और रेड बेरी। मेरे को तो ये आलू मिल जाएगा तो बहुत है। मैंने क्या खा दिया? आना योगर्ट और सीरियल। आना और दानी मैचिंग मैचिंग, हम दोनों का फेवरेट ऑरेंज। ये तुम्हारा पेड़ है? बहुत अच्छा सिनेमन बन, मैंने भी बहुत एंजॉय किया और एग्स में भी बहुत एंजॉय किया। मैंने सिनेमन पूरा खाया, चाय पी और अब ऑरेंज, बहुत मजा आया। क्या था बेस्ट? ऑरेंज। आई हैवंट इवन ट्राइड एवरीथिंग। नहीं लेकिन सिनेमन अच्छा लगा, जो भी प्लेट में लिया वो भी अच्छा लगा। तो दरअसल क्या है कि हमने डिसाइड किया था कि जब हम निकलेंगे तो हमारे पास एम्पल टाइम होगा यहाँ एंजॉय करने के लिए, लेकिन पता चला कि फैमिली की जो है वो एक ऐसा इवेंट है जो वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप ऑफ इवेंट होता है, तो उसके लिए 5 आवर की ड्राइव बैक और शायद कटो कट पहुंचेंगे अगर पहुंच सके तो। और अब हम निकल रहे हैं, बच्चों की एक्टिविटीज जैसे कि हमने आपको बताया था वहां जाएंगे। अब मैं अभी तो नहीं बताऊंगी कि क्या है, लेकिन एक बात बताऊंगी कि आर्ट लवर के लिए बेस्ट है जो कि जोई
आना और दानी के लिए बेस्ट है, आप लोगों को भी बड़ा मजा आएगा। लेकिन तो देखिए, अब मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ कि कौन सी जगह है जहाँ हम जा रहे हैं। तो बहुत ही कलरफुल है और बहुत ही फन है, यहाँ से सिर्फ 10 मिनट दूर है और 10 बजे खुलता है, तो हम जैसे ही खुलेगा पहुँच जाएंगे। बाजी और फिरोज भाई जो है वो नहीं आएंगे हमारे साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आर्ट लवर नहीं है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कमिटेड है, तो उनके साथ एंजॉय करेंगे और फिर हमें ज्वाइन करेंगे। तो फिर चले स्टार्ट करते। Ready to go. चलो पैकअप हो गया। Zoe, पैकअप हो गया तेरा? हाँ। Good job. Let's go. क्यों चिढ़ा दिया ना तुम? तो तू तो चल सकती है, बैग चल नहीं सकती है ना बेटा? इनफ स्पेस नहीं मिलती, मतलब इनफ क्या मतलब है? देखा नाक वाक चढ़ा गए हो। ये पुश करते हुए मुझे एक गाना याद आया, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। एक दिन की ट्रिप में ये हाल हो गया है। हवाएं भी चल रही थी कुछ टेक्सास का, और वो अमेरिकन फ्लैग जो है कितना अच्छा हिल रहा है। All good to go? Let's go. लगेज में रखने जा रही हूँ, होटल वालों को वापस देने जा रही हूँ लगेज। उसमें से एक जो है वो वापस लेकर आना, एक उनको दे देना। एक दे देना। डैडी बोल रहे पता नहीं क्या जगह है, मतलब मैं तो उसे जा रही हूँ क्योंकि टीचर्स फ्री है, आप लोग को पे करके जाना पड़ेगा, मैं तो उनकी फ्री में कितना खराब हो सकता है। टीचर्स फ्री और उनके फैमिली मेंबर 20%। हाँ। वो तो मेरे को भी टीचर बना दो, सर्टिफिकेट है। हाँ, मेरे पास मेरा तो है, मैं बोल दूंगा वहाँ छोड़ के आया हूँ, अपने मेरी कंट्री में छोड़ के आ गए। अगर आप नोटिस करें तो 4 फर्द यहाँ भी है और ये उनका लगेज है, और 4 फर्द इसमें भी है और ये इनका लगेज गिफ्ट्स है, लगेज नहीं है। अच्छा अच्छा, बट 4 लोग जिसमें से 2 बच्चे हैं उसमें कितना फर्क हो जाता है, राइट? बच्चे ही ज्यादा स्पेस ले रहे हैं आजकल भाई, बड़े लोग तो फिजिकली कम स्पेस और यूं ज्यादा स्पेस। इतना सारा सामान दे रहा है, देख ये सारा सामान दे रहा है। एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव। पानी आ गया, ठंडा हो गया, इसमें डाल दिया। पानी कैसा है ना? हम लोग एक मूवी देख रहे हैं जिसमें वो कहता है ये लड़की खूबसूरत कितनी है, तो उसका बाप कहता है कि खूबसूरत तो ताजमहल भी है लेकिन उसको मेंटेनेंस में कितना खर्चा लगता है पता है? सही कहा। तो आना इज लाइक द ताजमहल आल्सो, खूबसूरत बहुत है लेकिन मेंटेनेंस हाई है, वेरी हाई। चलो डैडी ठीक है, आप लोग भी मजे करना, दोस्त के साथ मिलना, मजे करो। बड़े और वो नीचे है, वो अम्मी से शायद बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अब मैंने जो आपको फोन, हां फोन दे दिया मेरा, तो अब आप लोकेशन शेयर कर देगी। कहाँ आ रहे हो? रियला एक्सपीरियंस। किसको जाना है? आना तो जाना है, आप भी तो जाना है। यस सना को जाना है, मुझे जाना है, आना को जाना है, आना को जाना है। इसके रोज भाई ने बोला था कि कोई मॉल करीब अगर होगा तो देख लेना। सराबर नहीं, मॉल करीब तो नहीं, मॉल के अंदर है। जोई बताएगी आपको कि कहाँ है। जोई बता कहाँ है? नहीं नहीं, है क्या? क्या चीज? वो एक प्लेस है फॉर आर्ट, एंड ये प्लेस है फॉर आर्ट एंड वेल चिपले। वो पागल हो गई है, वो जो नहीं क्रेयॉन्स और मार्कर्स, बच्चे क्रेयोला से खेलते हैं,
निकल रही, उन्होंने ये बनाया बाहर, अब हम एक्साइटेड हैं कि अंदर जाके देखेंगे कि ये हो सकता है एक्सपीरियंस करें कि क्रेयोला किस तरह बनता है, या हम उसके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं, कुछ पता नहीं है लेकिन एक्साइटिंग रहेगा। चले सर, आई एम टीचर टू। हाँ ना, एक्साइटेड क्या करेंगे, क्या क्या लगता है? ये देखो क्या है सूरज, अभी अपन यहाँ है एडमिशन। हाँ हाँ, ये देख, ये आना का सेक्शन है। अब ये बनकर देखा, ये क्रेयॉन मेल्ट होके आर्ट बना रहे। सब बेबीज को देखा आना, यू करके देखा, यू ये आना ने बनाया है। स्लो या फास्ट करना हमारे हाथ में, दैट्स इट, अदरवाइज ये मेरा है। आप बताना, मुझे वोट देना, मुझे सब मिलके वोट देना कि मैं जीता हूँ। ओके, कलर कॉम्बिनेशन से आपको वोट देने में आसानी होगी। पर्पल और येलो कितना प्यारा। मुझे वोट देने के लिए ये निशान और ये कलर याद रखे, लव यू ऑल, वोट यही देना। तो मैंने वो पिंक एंड पर्पल बनाया, दो कलर्स जो दोनों वो आगे और आगे है, रेनबो है। रेनबो आना ने पर्पल और पिंक बनाया, आना को वोट, आना को वोट। और ये है मेरा, कितना खूबसूरत है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वोट तो मुझे ही मिलेंगे। वोट के तौर पे एक पप्पी मिलती है। बहुत अच्छा बनाया है, सबसे बेस्ट है। मुझे एक्चुअली जोही का बेस्ट लगा, पता है? मुझे आपको बेस्ट लगा। मुझे भी तेरा। हाँ, but what about the other two? I couldn't put that one. Alright, here you go. Papa, I think you can. Actually, you're not in the room. देखा दादू जैसे। अच्छा दिखाई कि नहीं मेरे को? देखा? फिर आना यू कलर करेगी। बेबी दिख रहा हूँ। हाय व्यूअर्स, हाय शफी, आ जाए, खराब नहीं हो जाएंगे आपके कपड़े। ये थंबनेल, हाँ क्या ये थंबनेल के अंदर किस चकल नहीं दिख रही है। डैडी का मुंह दिखा सा ना, नीचे उतना दिखता है, लाइट है, आप मुंह दिख रहे हो, देख अब पहचाने जाएगा। हाँ ये कितना अच्छा कलर कर रही है। हाँ दादा जान ने ऐसा सिखाया कि ये हॉर्सी है, ये हॉर्सी है, ये काउ है, बकरीद के लिए आपको काउ मिली है, आपको भी काउ मिली है। मैं तो समझी थी हल्की फुल्की होगी, बड़ी होगी। ओके, आपको क्या चाहिए, आपके लिए चॉइस है, हॉर्सी है।
मैं जो वो हॉर्सी ले लूं, मैं काउंट ठीक है, हियर यू गो। क्रेयॉन नहीं हुआ, ये तो हुआ हुआ। क्रेयोला की मार्कर भी होती है ना, इन्हीं की तरह मार्कर। तभी तो मैं कर रही हूँ बात। You are so funny, Anna. You are so so funny. अपन को ना आना है, अपन डन। Zebra horse. Done. Done. Cow. मैं नहीं बोलती है काउ। ग्रीन टांग लगा दिया। ग्रीन चाहिए। मेरा हो गया। मेरा हो गया। मेरा भी हो गया ये रहा। तारक हूँ। आना का भी तो हो गया ना? यार हो गया। यहाँ जो है वैक्स हैंड्स बनते हैं, ये दिख रहे हैं आपको जो पीछे सारे हैं, आप गरम होल्ड कर सकते हो। ऐसा होगा जैसे गरम गरम निहारी में हाथ डालना। ऐसा नहीं होगा। चल रेडी। अच्छा लोशन है ये। ओके ठंडा बर्फ वाला गरम था वो, गरम था तुम लोग के लिए गरम लाइट करके निकाली की जैसे मैं सीख निकालती हूँ स्ट्रॉ वैसे। वैक्स आ गया, वैक्स टूट सकता। अरे खींच रही, खींच रही, खींच रही है। वाओ दिस इज सो इंटरेस्टिंग। दिखा दिखा। अच्छा कुटा भी है, समझा? ये देखिए ये वाला पोशन था ना, या लोशन नहीं लगा था तो वो मुझे गर्म लगा। कौन सा लो? ये लोग तो पिंकी रेकमेंड किया। पिंकी जरूरत ही नहीं है। नेल पॉलिश मेरी नेचुरल अभी जो लगी है वही लगाना। आप देख रहे हैं वेज म्यूजियम में नहीं सारे पुतले बनाए थे ओरिजिनल जैसा लग रहा था वो टेक्सचर। तो जो अभी डिसाइड कर ले बनाना है तुझे कि नहीं। जोई जो है वो एक वैक्स बड़ी ले रही है क्योंकि रूबी मैम ने बताया कि बहुत गर्म था वैक्स, अदरवाइज उसको भी बनाना था। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मजा आ रहा। पीछे से ऐसा लगता है। तो बेसिकली मोमबत्ती है ना, यू नो कैंडल, कैंडल्स आर वैक्स राइट? तो ये कैंडल है, विक नहीं है, विक मिसिंग है। अपनी आइटम को, क्रेयॉन्स को, क्रेयोला चीजों को, और हम पैसे दे के देख रहे हैं, तो भाई मैं भी तो प्रमोट करूँ ना। जगह ही नहीं है, मैं जोड़ नहीं सकता हूँ। नहीं और तो वापस कर, थोड़ा सा और नीचे 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 और नीचे। नहीं चल रहा। अब गया, अब गया। कौन हो गया?
ऑन हो गया, ये। तो अब जो है हम हमारी खुद की क्रेयॉन बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो डालेंगे यहाँ टोकन और लैंग्वेज सिलेक्शन। ये आ गई एक हमारी क्रेयॉन ऑरेंज वाली। अब डिसाइड करेंगे कि किस तरह का इमोजी चाहिए। मेरा नाम एक्चुअली रूफी है, आप मुझे जानते हैं डायरेक्टर साहब के नाम से। ये रहा लेबल, देखें इस पे रूफी लिखा है। और मेरा फेवरेट कलर भी ऑरेंज है। अभी आपकी जेब में रखेंगे जब ये विक्रांत। मैं हर जगह ये यूज करूंगा। नो, ये मेरा फेवरेट शेड नहीं है, लेकिन ब्लू कलर मुझे पसंद है। ये डालते क्या कर रही हो रूबी का किचन? रूबी का किचन प्रोफेशनली, तुमको तो यहाँ पर फैक्ट्री में होना चाहिए। क्या बात है। ओके, दैट्स नाइस जॉब। ओ, वाकई में बन गया। ए एन ए आना हार्ट शेप। वन गो बैक परफेक्ट। एक कॉम्बो था 9 समथिंग में, दोनों था। हां, फ्रेंच फ्राइज। थैंक यू। कितनी कौन सी देगी? नहीं, मैंने तो यूज़ कर रही थी। मैंने बोला आधा ब्राइडल जंग तो दूँ थी, ताना ने बली बली दादा जंग से दे दी। हाँ। तानी तो नहीं थी बली बली। नहीं थी। सोच नहीं दूँ। वन वापस वन दबा। That's enough. अब निकाल इसमें से। ये कौन सा कलर निकला? अब जो हमारा जैसा पिंक ही निकलता, देखो वन दबा तो पिंक। ऑरेंज। Give me 5. अब जो ये तो पता है ना कैसे ऑरेंज है। हाँ, मैं क्या बिकू? Good idea. क्रियोन से बनाया। ओह, ये ऐसा रखे ऐसे। अच्छा, फुल है? हाँ, फुल है। पीछे तक फुल है। ये कैन है यार। जैसे नहीं कैंडी लेते हैं अपन को बॉक्स में, खुद से भरो कैन और काउंटर पे चेक आउट कराओ। कमाल है। देखिए छोटा शाइनी पिंक भी है, मैं दिखाती हूँ। आजा, हमारी बहन बहनों आ भी गए हैं। ये रहे, आ गए ये लोग। अब उन्हें पिक करेंगे और निकलेंगे। तो अब हमें अर्जेंसी में यहाँ से निकलना होगा। 5 घंटे का रास्ता है, थोड़ा बहुत भूख भी लगी है, रास्ते में से कुछ बाइटिंग भी हमें करनी होगी। और अब पता भी नहीं चल रहा है कि भाई हम कपड़े चेंज करने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो सेम कपड़ों में पहुंचेंगे, क्योंकि खुशियां उनकी अटेंड करना टाइम पर ज़रूरी है निस्बतन हमारे कपड़े। तो देखते हैं क्या होता है। तो चले निकले, चले निकलते हैं। चलो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। अब रेडी से बात छाना। गोइंग बैक। हमने बकीज में स्टॉप किया था। ये एक लार्जेस्ट गैस स्टेशन कह ले, या फिर खाने पीने की जगह कह ले, रेस्ट एरिया कह ले, बाथरूम जाना हो तो बिगेस्ट है इन टेक्सास में। चला जो है वो रास्ते में प्रेजेंट्स बोल रही है। ये बिकी की गेम है, मैं फिगर आउट कर रही हूँ इंस्ट्रक्शन से कैसे खेलते हैं, ताकि हम गाड़ी में खेल सकें या फिर जाके। बेसिकली ये ईद के लिए जो भी प्रेजेंट्स बच्चों को मिले थे, वो बच्चे बोर हो रहे थे तो बोला कि भाई खोल लो, लेट्स सी। राइट, आ गए फाइनली। तुम लोग तो सो गए थे। हाँ।
चना तुम भी सुन की चलो जल्दी तैयार होना लेट्स गो सब टॉयज भी तो खुल गए हां पहुंच गए हम लोग विन हो गए पहुंच गए देखिए 5 घंटे का रास्ता अब झटपट तैयार होंगे पार्टी में जाएंगे और इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी लव यू ऑल बाय अल्लाह हाफिज़ बाय बाय